सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब आए हो, आप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, ये है दोहाई आरा RTS का स्टेशन, जिस पर अभी साइडों का जो इस साइड का दोस्तों आपको बता दो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा था, जो कि अब बना के कम्प्लीट कर लिया जा चुका है। तस्वीरें देख सकते हो, ये देखो किस तरीके से ये बनाया गया है, आप लोग तस्वीरें देख सकते हो। देखो ये जब मैं पिछली बार आया था तब ये बन के कम्प्लीट नहीं हुआ था दोस्तों, और अब आप देख सकते हो कि इधर भी देखो ये डिवाइडर बना दिए हैं, इधर इन्होंने ये ब्लैक टॉप भी कर दिया है, और उस साइड का तो पहले ही बन के कम्प्लीट हो चुका था दोस्तों, लेकिन इस साइड का बचा हुआ था तो ये भी कम्प्लीट हो गया। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से बनाया गया है। देखो इसके अंदर ले कर चलता हूँ, फिर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कैसे बनाया है यहाँ का RTS का एंट्री और एग्जिट पॉइंट। दोस्तों ये देखो कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ से ये फुट ओवर ब्रिज है दोस्तों, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, उधर से भी कर रहा है, देखो ये कर दिया इन्होंने, और इधर से भी देखो ये कर रहा है कनेक्ट, इस तरीके से ये कनेक्टिविटी दी जा रही है। चलते हैं उस साइड में, देखो किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है, आप लोग तस्वीरें देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोज़ KP संत लाता रहता है अपने चैनल पर, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। देखो अभी इस पर भी क्या है, इस पर अभी पत्थर लगाए जाने लेकिन नहीं लगे हैं। देखो अभी मतलब कि आधा काम कंप्लीट हुआ है, आधा काम कंप्लीट नहीं हो पाया है दोस्तों। और ये देख सकते हो, ये है ड्रीजिंग लैंड, यानी कि बच्चों का खेलने कूदने का जो पानी का फुब्बारे हैं, झूले हैं, वो सब ये देखो कुछ ये सीन है यहाँ का, आप लोग अब देखो। तो कुछ इस तरीके से ये बनाया गया है एंट्री एग्जिट पॉइंट, जिस पर अभी फाइनल होना बाकी रह गया है। देखिए इधर ये सेटिंग लगी हुई है, इस पर भी अभी डेंट पेंट का काम किया जाना है दोस्तों। कुछ ऐसा है ये दोहाई RTS का स्टेशन दोस्तों, देखो आप लोग तस्वीरें। और ये जा रहा है गाज़ियाबाद के लिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल काम कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि कब ये इस पर रैपिड रेल चलाई जाएगी, इतना अभी कंफर्म नहीं हो पाया दोस्तों। देखो अंदर से भी यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, ये देख सकते हो, ठीक है। तो अभी इस पर ये जाली पाली लगा के और फिर इस पर ये पेंट का काम किया जा रहा है, तो ये वर्क चल रहा है यहाँ पे, ये देखो जो बन के बिल्कुल कम्प्लीट ही हो गया है। और इधर भी इन्होंने डिवाइडर बना दिया, इधर देखो ये ब्लैक टॉप कर दिया है सारे में, तो यही काम बचा हुआ है। और यहाँ पर ये लिफ्ट लगाई जानी है दोस्तों, तो लिफ्ट का ही यहाँ पर काम किया जा रहा है। देखो कुछ ऐसा स्टेशन है, इस तरीके से ये बनाया गया है, ये देखो आप लोग, ये दोहाई RTS का स्टेशन है दोस्तों। ये देखो अभी काम किया जा रहा, तो पत्थर भी रखे हुए हैं, इधर भी अभी किया जा रहा, और यहाँ पर ये देखो लिफ्ट लगाई जानी है, जो कि अब यहाँ पर ये जो टीम है वो वर्क कर रही है दोस्तों, ये देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर ये लिफ्ट का काम चल रहा है, कुछ ऐसा काम चल रहा है यहाँ पर लिफ्ट का, तो ये देख सकते हो आप लोग। तो अभी जल्दी ही बन के कम्प्लीट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल बन के कम्प्लीट ही हो गया। इधर भी देखो ये बाल बना दी है इन्होंने, और इधर भी देखो किस तरीके से ये काम किया जा रहा है, इधर भी अभी शीशे भी लगाए जाने हैं, तो शीशे भी नहीं लगे हैं, तो यही वर्क चल रहा है। अब चलते हैं आगे वाले पर, कि आगे कितना काम हो गया है, कितना रह गया है बनने के लिए, वो सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में दोस्तों। देखो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है, देखो यहाँ पर ये डेंट पेंट का काम किया जा रहा है यहाँ पर इस जगह दोस्तों, ये देखो, ठीक है। और चलते हैं इधर भी दिखाते हैं चल के, कि यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर भी ये पत्थर वत्थर डाले जा रहे हैं, इस पर भी अभी ब्लैक टॉप किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बना रहे हैं, और एक उधर बनाया जा रहा है, उधर भी ले कर चलेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे चल के दोस्तों। देखो कुछ इस तरीके से ये बनाया गया है, देखो RTS का स्टेशन। चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को, देखो वो उधर भी बचा हुआ है अभी बनने के लिए, तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के इसका। देखो ये ब्लैक टॉप भी कर दिया, जो पहले नहीं था, ऊपर खाबड़ हुआ करता था दोस्तों। कुछ ऐसा बनाया गया स्टेशन, ये दोहाई RTS का स्टेशन है दोस्तों, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट ये बनाया जा रहा है, जिसमें ये डिवाइडर का काम किया जा रहा है, ये देखो ये डिवाइडर लगाया जा रहा है, उधर की साइड में भी अभी रोड को कंप्लीट किया जाएगा, उधर भी ब्लैक टॉप किया जाएगा इसके अंदर। ये देखो यहाँ पर भी ये बन के कम्प्लीट हो गया,
ये देखो, ये भी देख लो आप लोग, एंट्री एग्जिट पॉइंट कुछ ऐसा बनाया गया है। ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोस्तों, देखो इधर भी अभी काम बचा हुआ है करने के लिए। इधर का तो ये बन गया, ये लिफ्ट का भी काम हो गया, इधर पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये देखो आप लोग, तो इधर भी अभी किया जा रहा है लेकिन पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये तो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ये देखो यही है RRTS रैपिड रेल दोस्तों। देखो दोहाई RRTS स्टेशन किस तरीके से बनाया गया है, आप लोग देखो तस्वीरें। उधर का तो पहले ही बन के कंप्लीट हो गया था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को, आगे भी किया जा रहा है देखो आप लोग। और चलेंगे हम सीधे मुरादनगर के लिए, और वहाँ से फिर मोदी नगर, मोदी नगर से फिर मेरठ साउथ। तो यही है आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ तक आज की डेट आज इस वीडियो में कवर कर सकता हूँ करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सारे में ही देखो ब्लैक टॉप का काम हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट, और इस पर अब RRTS चलाई जाती है दोस्तों, और चलती भी है डेली। तो देखो बारिश की वजह से कैसा ये रोड टूट गई है, देख सकते हो ना, अभी इन्होंने ब्लैक टॉप किया था लेकिन सारा टूट गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भारी भारी वाहन गुजरते हैं, और ये बरसात में तो वैसे भी रोड टूट जाती है। अब यहाँ से दो लाइन हो जाती हैं दोस्तों, ये जो लेफ्ट वाली है वो तो चली जाती है दोहाई डिपो के अंदर, और जो राइट वाली है वो चली जाती है सीधी मेरठ के लिए दोस्तों, और उसके बगल से ही ये जा रहा है दोस्तों। देखो ये जा रहा है दोस्तों ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये देख सकते हो इसे क्रॉस कर रही है ये RRTS, जो हमारे NCR का ये गोल चक्कर है दोस्तों ईस्टर्न पेरिफेरल, और ईस्टर्न पेरिफेरल के ऊपर ही यहाँ पर ये लोहे का स्ट्रक्चर का ब्रिज बनाया गया दोस्तों। देखो ये लोहे का ब्रिज बना हुआ है, और ये दोहाई डिपो के लिए चला जाता है उधर अंदर की साइड में। तो देखो इधर तो मतलब वो कि सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और इस पर आपको बता दूं कि अब चल रहे हैं हम यहाँ से कहाँ के लिए, मुरादनगर के लिए। तो दिखाएंगे चल के मुरादनगर के स्टेशन पे कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या अभी किया जा रहा है, वो सब कुछ इस वीडियो में देखने के लिए मिलता। तो चलते हैं इस पर, OHE वायर का भी काम हो चुका है, देखो ओवरहेड इक्विपमेंट भी लगा दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी इस पर वायर लगाना बाकी रह गया, बाकी इस पर ट्रैक स्लैब डाल दिया जा चुका है, कम्प्लीट हो चुका है मुरादनगर तक दोस्तों। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के। ये दोस्तों आ चुका है मुरादनगर RRTS का स्टेशन, देख सकते हो इस पर रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर है वो लगाया जा रहा है इस टाइम पे, और ये कुछ दूसरी तरीके का ये रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर है, रूफ टॉप होगा वो कुछ अलग टाइप का होने वाला है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा है ये मुरादनगर RRTS का स्टेशन जो बनाया जा रहा है, और कॉन्कोर्स लेवल तो पहले ही बन के कम्प्लीट हो गया था, और उसके उस साइड में देखो
वो बनाया जा रहा है क्या? एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखो, वो आधा बन के कम्प्लीट हो गया है, अभी आधा बचा हुआ है। दोस्तों कल रात बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तस्वीरें देख सकते हो, सारे में ही पानी पानी भरा पड़ा है। और देखो एक इधर ये बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट, जिसका मैंने पिछली बार में जब आप लोगों को मैंने दिखाया था, तब देखो ये इसके ये पिलर को खड़ा किया जा रहा था, आधे पिलर बन गए थे आधे नहीं बने थे। देखो अब सेटिंग लगा रहे हैं, अब इसको एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में जोड़ा जाएगा इस स्टेशन से दोस्तों। और उधर देखो वो मेन पार्ट होने वाला है, तो ये नज़ारा है यहाँ का मुरादनगर RRTS स्टेशन का दोस्तों। और दूसरी साइड में आधा बन के कम्प्लीट हो चुका है, वो देखो दोस्तों हर जगह पानी भरा हुआ है, देख सकते हो इधर भी पानी भरा हुआ है, तो आप लोग यहीं से देख लो। देखो ये बनाया जा रहा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट, देखो कितना ऊंचा है, जिस पर सेटरिंग लगाई जा रही है दोस्तों। इसका जो रैंप है वो बनाया जा रहा है ऊपर की साइड में, देखो वो टीम भी आप लोगों को वर्क करते हुए नज़र आएगी आप सभी को दोस्तों। सेटरिंग लगी हुई है, देखो सरियाओं का जाल बनाकर ये ऊपर को खड़ा किया जा रहा है, तो देखो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ये एंट्री एग्जिट पॉइंट दोस्तों। इस साइड में देखो वो गार्ड भी बैठे हुए हैं, तो अभी ये बीच का भी डिवाइडर बनाया जाना है दोस्तों। और दूसरी साइड का देखो ये बनाया जा रहा है इस साइड में, जो कि अभी टाइम लगेगा बनने में दोस्तों। और ये बीच का डिवाइडर भी बनाया जाएगा, इसमें मिट्टी भी डाली जाएगी, तो सारा काम किया जाएगा, तो आपको उस साइड से दिखाते हैं चल के। दोस्तों कल रात में बारिश हुई है, पानी पानी भरा पड़ा है, तो इस वजह से मैं अंदर जा कर नहीं दिखा सकता। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय।